नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल स्टार स्पॉट तंती। सो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज आप सबों के बीच हम लेकर आ रहे हैं एक बेहतरीन फुटबॉल प्रतियोगिता का मैच हैंडबिल। जी हाँ दोस्तों, लकटकिया फुटबॉल प्रतियोगिता का मैच हैंडबिल और साथ में लकटकिया फुटबॉल प्रतियोगिता का मैच फिक्चर, दो दो गुड न्यूज मैं आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए, वीडियो के आगे तक बने रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह से स्पोर्ट्स से जुड़ी खबर आप तक जल्दी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दो दो फुटबॉल प्रतियोगिता के बारे में। जी हाँ, एक फुटबॉल प्रतियोगिता का मैच हैंडबिल हमारे पास है और एक फुटबॉल प्रतियोगिता का मैच फिक्चर हमारे पास है। जी हाँ, मैच हैंडबिल की बात करें तो मैच हैंडबिल ये सरेकला खरसवा क्षेत्र का फुटबॉल प्रतियोगिता का मेरे पास है, मैच हेडविल है और एक मैच फिक्चर है जो कि जमशेदपुर एरिया का। जी हाँ, चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों सरेकला खरसवा क्षेत्र का फुटबॉल प्रतियोगिता के बारे में। अगर इस टूर्नामेंट की बात करें तो ये जो टूर्नामेंट है निश्चित रूप से लकटकिया फुटबॉल टूर्नामेंट है, प्रत्येक वर्ष की भांति होता है। अगर इस टूर्नामेंट की चर्चा करें तो निश्चित रूप से इस सीजन जो है कुछ अलग करने का प्रयास कर रहा। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों लेट लखराम मांझी ट्रॉफी टू डेज फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का ये फुटबॉल प्रतियोगिता है। जी हाँ, अगर इस टूर्नामेंट की चर्चा की जाए दोस्तों तो ये सरेकला खरसवा का फुटबॉल टूर्नामेंट है। अगर स्थान की बात करें तो सिंदरी ग्राम पर खेला जाएगा और पंचायत की बात करें तो मुंडाटांड, जिला सरेकला खरसवा झारखंड, ये 2025 का टूर्नामेंट है। और दोस्तों बात करें इस टूर्नामेंट में किस प्रकार से नियम रखा गया है, कैसे कैसे पुरस्कार की राशि है, ये आगे मैं बताऊंगा विस्तार से। चलिए लेट रखराम मांझी ट्रॉफी की अगर बात करें विस्तार से तो ये जो टूर्नामेंट है दो दिवसीय होगा। इससे पहले अगर सीजन की बात करें दो तीन सीजन पार हो चुका है और उनमें जो है उस सीजन की अगर बात करें तो उस सीजन एक दिवसीय टूर्नामेंट होता था, लेकिन इस सीजन की बात करें कुछ अलग करने का प्रयास, दो दिवसीय इस सीजन फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है। दो दिवसीय की बात करें तो तारीख होगी 18/1/2025 यानी कि 18 जनवरी 2025 और 19 जनवरी 2025 को खेला जाएगा ये टूर्नामेंट। और दोनों दिनों की बात करें तो दोनों दिन जो है 16-16 टीम की डिमांड है, यानी कि कुल मिलाकर 32 टीम का डिमांड रखा गया है। साथ में अगर हम लोग बात करें दोस्तों इस टूर्नामेंट के बारे में तो इस टूर्नामेंट के बारे में और बहुत सारी जानकारियां मैं देने वाला हूं, तो वीडियो के आगे तक आप बने रहेंगे। साथ में जमशेदपुर एरिया का फुटबॉल प्रतियोगिता का फिक्चर भी है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा जरूर। लेकिन उससे पहले मैं इस लाइट क्लब सिंदरी के टूर्नामेंट के बारे में विस्तार से बता दूं। तो दोस्तों अगर बात करें नियम का तो इस टूर्नामेंट में 32 टीम की डिमांड है, 32 टीम अगर पूरा नहीं होता है तो पुरस्कार में परिवर्तन किया जाएगा। साथ में अगर हम लोग प्लेयर साइड की बात करें तो 9 साइड के यहाँ पे मुकाबला आप सभी लोग देख पाएंगे, 9 साइड का मुकाबला होगा। और वही अगर पेनल्टी शूट आउट की बात करें तो 5-5 करके पेनल्टी शूट आउट दिया जाएगा इस टूर्नामेंट में। और दोस्तों बात करें अब हम लोग इंडिविजुअल प्राइज का, इंडिविजुअल प्राइज की बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल प्राइज मैन ऑफ द मैच रखा गया है जो कि ₹1000 से सम्मानित किया जाएगा। बेस्ट गोलकीपर की बात करें तो बेस्ट गोलकीपर के तौर पर ₹1000 और साथ में अगर मैन ऑफ द सीरीज की बात करें तो यहाँ पे हीरो साइकिल से सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रकार इंडिविजुअल प्राइज है। और वहीं दोस्तों बात करें अब मेन प्राइज का, तो मेन प्राइज जो है यहाँ पे 4 रखा गया, 32 टीम में आपको 4 पुरस्कार दिए जाएंगे। जी हाँ, उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि इस टूर्नामेंट में प्रवेश शुल्क कितना है। अगर प्रवेश शुल्क की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे ₹3500 रखा गया है। जी हाँ, ₹3500 रखा गया प्रवेश शुल्क। और अगर हम लोग बात करें पुरस्कार का, मेन प्राइज की बात करें तो प्रथम पुरस्कार के तौर पर ₹60000 दिया जाएगा, ₹60000 साथ में एक चमचमाती ट्रॉफी। और वहीं अगर द्वितीय पुरस्कार की बात करें तो ₹40000 साथ में एक चमचमाती ट्रॉफी दिया जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें दो सेमीफाइनलिस्ट टीम को ₹15000 से सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रकार जो है कुल मिलाकर अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं विदाउट इंडिविजुअल प्राइज का तो यहाँ पे ₹1,30,000 इस टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम को मिलने वाला है, कुल मिलाकर अगर कैलकुलेट करते हैं तो। इस प्रकार दोस्तों लेट लखराम मांझी ट्रॉफी 2025 का एक बेहतरीन टूर्नामेंट आप सबों के लिए ऑर्गेनाइज है। अगर आप इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर लें, क्योंकि यहाँ पे काफी जल्दी से यहाँ पे टीम होती है। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे वीडियो में टू डेज फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 की अगर बात करें तो 2024 का और एक बेहतरीन फुटबॉल प्रतियोगिता का यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो चुका है। ऑलरेडी हैंडविल के साथ साथ टीम भी पूरा हो चुका है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें दोस्तों इस टूर्नामेंट के बारे में तो यहाँ पे फिक्चर पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं टू डेज फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 ऑर्गेनाइज बाय खेरवेल एवेन गांव तानागरा
बाहराडी के बारे में। जी हाँ, बाहराडी के बारे में। बाहराडी की ओर से 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन है, जिसमें टीम पूरी तरह से तैयार है खेलने के लिए। जी हाँ दोस्तों, 2 दिवसीय ये फुटबॉल प्रतियोगिता है, फिक्सर तैयार है। अगर हम लोग बाहराडी की बात करें, प्लेस नारगा बाहराडी है, पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे हीरा चुनी है। और वहीं अगर दोस्तों बात करें पीओ का, सॉरी पीएस का, तो एमजीएम मानगो है, ईस्ट सिंहभूम झारखंड, कह सकते हैं कि जमशेदपुर एरिया का ये फुटबॉल टूर्नामेंट है। वहीं दोस्तों बात करें इस टूर्नामेंट का पुरस्कार की राशि का, तो यहाँ पे 4 पुरस्कार रखा गया है। प्रथम पुरस्कार की बात करें तो 1,50,000 रुपये, 1.5 लाख रुपया, और वही द्वितीय पुरस्कार की बात करें 1 लाख रुपया, और दो सेमीफाइनलिस्ट टीम को 50,50,000 रुपये से सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रकार 4 पुरस्कार रखा गया है। अगर हम लोग टीमों की बात करें तो 16 टीम की डिमांड थी जो पूरा हो चुका है, और 16 टीम के बीच कैसा मुकाबला होगा आइए आप सबको बता दो। अगर बात करें दोस्तों, ग्रुप ए का मुकाबला होगा 12 अक्टूबर 2024 को दिन शनिवार को खेला जाएगा, 8 टीमों के बीच मुकाबला। वहीं दोस्तों बात करें 13 अक्टूबर को खेला जाएगा ग्रुप बी का मुकाबला 8 टीमों के बीच। अगर हम लोग 12 अक्टूबर के मुकाबले की बात करें तो 12 अक्टूबर का पहला मुकाबला होगा ग्रुप ए का, जोहार जमशेदपुर बनाम KM भागा बांध के बीच खेला जाएगा, ये प्रथम मैच होगा 12 अक्टूबर का। वहीं अगर 12 अक्टूबर का दूसरा मैच की बात करें तो रुशिका एफसी बनाम SSC सीधा सिधांगा के बीच खेला जाएगा, ये दूसरा मैच है 12 अक्टूबर का। 12 अक्टूबर का तीसरा मैच की बात करें तो यहाँ पे मोराकाटी एफसी बनाम किस्कू राज भागाबांध के बीच खेला जाएगा, ये तीसरा मैच है। वहीं अगर चौथा मैच की बात करें तो चौथा मैच के तौर पर खेला जाएगा PRMC देवघर बनाम RFC के बीच खेला जाएगा, ये चौथा मैच है 12 अक्टूबर का। तो इस प्रकार 4 मुकाबले देख पाएंगे 12 अक्टूबर का। वहीं अगर हम लोग बात करें 13 अक्टूबर का, तो 13 अक्टूबर का भी आप 4 मुकाबले देख पाएंगे। जी हाँ, अगर हम लोग प्रथम मैच की बात करें 13 अक्टूबर का, तो यहाँ पे KBC खिरीगुटू बनाम घाटसिल FC के बीच खेला जाएगा, प्रथम मैच है। वही 13 अक्टूबर का दूसरा मैच की बात करें तो परवीन FC पोटका बनाम मुर्मू स्पोर्टिंग DVM के बीच, और तीसरा मैच की बात करें तो TSS आदित्यपुर बनाम तरापित FC के बीच खेला जाएगा। वही अगर चौथा मैच की बात करें 13 अक्टूबर का, तो यहाँ पे किंग फिशर FC पोटका बनाम अमित स्पोर्टिंग जमशेदपुर के बीच खेला जाएगा। तो इस प्रकार 16 टीमों के बीच मुकाबला होगा 12 और 13 अक्टूबर को। फाइनल की अगर बात करें तो 13 अक्टूबर को ही खेला जाएगा, जी हाँ, शाम 4 बजे से। पुनः एक बार मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट है 2024 का, खेरवेल एवेन गांव था नारगा बहराडी में ये टूर्नामेंट होगी। जी हाँ, जो कि पीएस की बात करें तो एमजीएम मानगो, ईस्ट सिंहभूम झारखंड, तो ये जमशेदपुर एरिया का फुटबॉल टूर्नामेंट है। आई होप कि ये सभी इन्फॉर्मेशन आप सबको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कमेंट और साथ में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।